हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं नांदेड़ में प्रैक्टिस करता हूँ, महाराष्ट्र में। मेरा एक्सपर्टाइज है बिहेवियर एजुकेशन डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। ये स्लाइड शो वीडियो डायपर रैश इन चिल्ड्रन, इसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है इन चिल्ड्रन। जनरली इन्फेंसी पर्टिकुलरली बिलो 6 मंथ्स में देखा जाता है। अराउंड 10% ऑफ बेबीज आर अफेक्टेड इन दिस एज ग्रुप। इट कुड बी सेकेंडरी इन्फेक्टेड, मतलब ये डायपर रैश कभी कभी सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड बच्चों को काफ़ी इरिटेशन होती है जिससे बच्चे काफ़ी रोते हैं। मेरी वीडियो की क्वालिटी, हम नांदेड़ में शूट कर रहे हैं, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। आपको इस कंटेंट से आपके बच्चे के इस प्रॉब्लम में कैसा टैकल करना, आपको काफ़ी सीखने मिलेगा और आपके बच्चों में काफ़ी फ़ायदा होगा। क्वालिटी को मत देखिए, कंटेंट को जरूर देखिए। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कारण क्या है डायपर रैश के। सबसे मेन कारण होता है गिल्लापन, वेटनेस एट डायपर एरिया। बच्चे की एरिया, डायपर एरिया अगर गिल्ली है, जब वो बाथरूम या लैट्रिन करता है और उसके बाद वो गिल्ला रह जाता है, तो वहाँ पे डायपर रैश होने के चांसेस होते हैं। जब हम कमर्शियल डायपर या पैम्पर्स वापरते हैं, उससे भी डायपर रैश होता है। अगर हम कॉटन क्लोथिंग जो पुराने ज़माने में वापरते और आज भी काफ़ी घरों में वो वापरा जा रहा है, अगर वो वापरते उसको टाइटली बांधते, अगर उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता है, उससे भी डायपर रैश होता है। बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद जब हम कोई नया फूड देते हैं, पर्टिकुलरली जिसमें शक्कर ज़्यादा होती है, तो उससे भी डायपर रैश होने का चांसेस होता है। हमने देखा है और मेरे लूज़ मोशन टॉपिक में आपने सुना भी होगा कि कुछ कुछ बच्चे पहले 3 महीने या 4 महीने तक काफ़ी लूज़ मोशन करते हैं, वो नॉर्मल होता है, लेकिन उस लूज़ मोशन से भी डायपर रैश होने के चांसेस होते हैं। जब बच्चा बीमार होता है, तब बच्चे को एंटीबायोटिक, डॉक्टर हमारे जैसे पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक देते हैं, उससे भी डायपर रैश होता है। और फंगल इन्फेक्शन या कोई नया प्रोडक्ट जैसे पर कुछ आप पाउडर्स या टैल्कम वापरते वहाँ पे, उससे भी डायपर रैश हो सकता है। ये सब कारण मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कारण हमें पता है किस वजह से हो रहा, तो हम उससे बचाएंगे और आगे चल के हमारे बच्चों को डायपर रैश का प्रॉब्लम सॉल्व करने में और वापस नहीं होने में मदद होगी। इसके सिम्टम्स और साइन क्या है? डायपर एरिया रेड हो जाता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। वो एरिया को अगर हम हाथ लगा के देखेंगे तो थोड़ा सा गर्म लगता है बाकी के पार्ट से। बच्चा जब आप लैट्रिन करता है तो काफ़ी रोता है, क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन होता है। जब हम वो एरिया को क्लीन करने जाते तब भी बच्चा काफ़ी रोता है। कभी कभी वो रैश थाइस और टम्मी, मतलब पेट तक भी जा सकता है। ये सिम्टम्स और साइन बच्चों में देखे जाते हैं। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है डायपर रैश का? डायपर रैश का डायग्नोसिस हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन। हिस्ट्री टेकिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हूँ। एग्जामिनेशन तो आपके लोकल के डॉक्टर को आपको जाके दिखाना पड़ेगा, वो देखने के बाद ही बता सकेगा कि डायपर रैश है या और कोई प्रकार का, अलग प्रकार का इन्फेक्शन और दूसरा रैश है। जनरली इस प्रकार के रैशेस में कोई प्रकार के इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। रिमेंबर, डायपर रैश इज़ ऑलवेज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट 2 प्रकार से होता है, प्रिवेंटिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। प्रिवेंटिव का मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले प्रिवेंशन में उसका जो डायपर एरिया है, जैसे मैंने कहा कि गिल्लेपन से होता है, तो यू हैव टू कीप योर डायपर एरिया ड्राई। ऑलवेज क्लीन डायपर एरिया आफ्टर पासिंग यूरिन एंड स्टूल। जब भी बच्चा बाथरूम या संडास करता है तो उसको क्लीन करना है। उसको ल्यूक वार्म वाटर से भी क्लीन कर सकते, उसके एरिया को थ्रूली क्लीन करना है, क्योंकि वो एरिया क्लीन करने के बाद ही वो डायपर रैश हम कवर कर सकते। उस एरिया को क्लीन करने के बाद उसको सुखाना है, तो उसको रब कभी नहीं करना है, ऐसा उसको टैप करना है, पैट करके ऐसा आपको उसको ड्राई करना है। अगर रैश है, अगर रैश वहाँ पे है, तो उसको वहाँ पे कॉटन के क्लॉथ भी वापर लाने, कीप द एरिया ओपन। अगर रैश नहीं है तो होममेड कॉटन डायपर आप वहाँ पर वापर सकते हैं। इसके अलावा डायपर कैसा वापरना चाहिए, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, कमर्शियल डायपर कभी नहीं वापरना चाहिए। ऑलवेज़ यूज़ होममेड डायपर्स, और उसकी लूज़ फिटिंग होना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया। और अगर कमर्शियल डायपर यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो हम कहते हैं कभी कभी यूज़ कर सकते, जैसे आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते, लेकिन जहाँ तक हो सके घर पर तो बिल्कुल भी कमर्शियल डायपर नहीं वापरना है। जैसे मैंने कहा, फूड कैन बी वन ऑफ द कॉज फॉर द डायपर रैश। तो सबसे पहले 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है। 6 महीने तक कोई भी प्रकार का फूड नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद वीनिंग चालू करना है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देने जैसी है कि वीनिंग में हमें कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स नहीं लेना है। जो भी कमर्शियल फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसे अवॉइड करना है। घर पर ही फूड बना के हमें बच्चों को देना है, जैसे हमारे दादा दादी ने हमारे मम्मी पापा को और हमारे मम्मी पापा ने हमें दिया है। इसलिए होम मेड फूड आर द बेस्ट। स्टार्टिंग में आप दाल का पानी और राइस के पानी से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद फिर आप अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल सूप्स, अलग अलग प्रकार के सीजनल फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, साथ में नाचनी, दलिया,
पतला उपमा, पतला शीरा, मूंग की दाल की पतली खिचड़ी, ये 5 प्रोडक्ट्स आप बच्चे को दे सकते हैं। हर प्रोडक्ट आप 4 या 5 दिन बाद इंट्रोड्यूस करना है, और जैसा बच्चा एक्सेप्ट करने लगे तो फिर नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। जब आपको लगता है कि एक अदर प्रोडक्ट से बच्चे को रैश आ रही है तो वो प्रोडक्ट आपको 1 साल तक अवॉइड करना है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कह चुका हूँ, कमर्शियल फूड और बच्चों को नहीं देना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, तो हमने प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस किया। अब ट्रीटमेंट के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि रेडनेस से मतलब डायपर रैश है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। कभी वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता, या सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो सकता। और डायपर रैश का ट्रीटमेंट होने का जो भी डॉक्टर मेडिसिन देंगे आपको, उसको अप्लाई भी करना है, लेकिन ट्रीटमेंट में डूज एंड डोंट्स इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन हो, फंगल हो, डायपर रैश हो, बैक्टीरियल हो, सेकेंडरी हो, इसमें डूज एंड डोंट्स में रैश डायपर एरिया के लिए ये ज़रूरी है। तो डायपर ऑइंटमेंट जो भी डॉक्टर आपको अप्लाई करने के लिए देते हैं, डायग्नोस के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त एरिया ड्राई होना चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। वंस एक बार वो डायपर रैश या जो भी रैश है वो क्लीन हो गया, उसके बाद कोकोनट ऑयल या वैसलीन आप उस वहाँ पे लगा सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। और जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि बाथरूम या लैट्रिन करने के बाद बच्चे का डायपर इमीडिएटली चेंज करना है, तो वो आपको आगे भी करना है ताकि आगे चल के प्रॉब्लम वापस से ना हो। और डायपर फ्रिक्वेंटली चेंज करना है, और डायपर कैसा वापरना है, थोड़ा ढीला, क्योंकि वहाँ पे एयर सर्कुलेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और डोंट्स में क्या है, नो कमर्शियल पाउडर ऑन डायपर एरिया, अवॉइड कमर्शियल डायपर इन नाइट ऑल्सो। कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, सर ठीक है आप बोल रहे हैं तो आप डायपर डे में नहीं वापरेंगे, लेकिन नाइट में तो वापरना जरूरी है। मैं यहाँ सभी पेरेंट्स से बताना चाहूँगा कि आपके पेरेंट्स ने भी कभी कमर्शियल डायपर नहीं वापरा है, तब भी हम बड़े हुए, आपके पेरेंट्स भी बड़े, जब आपके दादा दादी ने नहीं वापरा, तो हम ये थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं कर सकते हमारे बच्चों के लिए। इसलिए नाइट कमर्शियल डायपर बिल्कुल नहीं वापरना है, बेबी वाइप्स भी बिल्कुल नहीं वापरना है, ड्राई कॉटन ही वापरना है। जैसे मैंने कहा स्क्रब नहीं करना है, ऐसा स्क्रब नहीं करना है, टैप करना है, तो स्क्रब कभी नहीं करना है रैश पे। और कोई भी मन से ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, बहुत सारे ऑइंटमेंट में स्टेरॉइड्स होता है, फंगल इन्फेक्शन हो या डायपर रैश हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो ये अगर हम स्टेरॉइड अप्लाई करते हैं तो वो रैश काफ़ी बढ़ सकता है, और स्टेरॉइड की वजह से वो पेनिट्रेशन हो सकता है, और वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फिर डायपर जो हम यूज़ करते हैं उसको क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ऑलरेडी हमने 4 बार कहा है कमर्शियल डायपर मत वापरिए, तो जो भी डायपर आप कॉटन का वापरते उसको एक पानी में भिगोना है, कम से कम 2 घंटे भिगोना है। फिर भिगोने के बाद दूसरे गर्म पानी में लेना है, और उसको जो भी माइल्ड डिटर्जेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट नहीं वापरना है, माइल्ड डिटर्जेंट से क्लीन करना है। और क्लीन करने बाद आपको वापस से पानी में धोना है, ऐसा धोना है कि उस पर डिटर्जेंट का एक भी अंश नहीं रहे, क्योंकि अगर डिटर्जेंट रहा तो वो उससे भी आपको डायपर रैश या और कोई इरिटेशन, डर्मेटाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। जब अच्छे से पूरा पाउडर या जो भी साबुन आप वापरते निकल गया ऐसा आपको लगता है, तो वो डायपर को गर्म धूप में सुखाना है, इससे बच्चे को आपके डायपर रैश या और भी प्रकार के डायपर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। डेंजरस साइन, तो हमने कहा कि डायपर में कैसा प्रिवेंशन करना, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कि आप मन से कर रहे हैं ट्रीटमेंट देने का, मन से ऑइंटमेंट लगा रहे हैं और ये सब प्रिवेंशंस कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स और दिखते हैं, तो आपको इमीडिएटली वापस से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वहाँ पे पस या पीलापन आ जाता है, येलो पैचेस आ जाते हैं, वहाँ पे एक अंदर डायपर का जो ओपोर होता है वो फूट गया ऐसा लगता है, डायपर एरिया से अगर वो एक्सटेंड हो रहा है, जैसे मैंने कहा थाइस या टमी एरिया में एक्सपेंड हो रहा है, या वापस घड़ी घड़ी रैश आ रहा है, और हम अगर डॉक्टर ने देने के बाद जो ऑइंटमेंट हम लगाते हैं अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो आपको वापस से डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। तो मेरा ये डायपर रैश का जो टॉपिक है, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। क्वालिटी ऑफ वीडियो डेफिनेटली उतना नहीं है, क्योंकि हम लोकल एरिया से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट्स आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। मैंने इसके अलावा भी काफ़ी चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम किया हूँ, Part 3 और Part 4 मैं ऑलरेडी मार्केट में और यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। Part 3 पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों की उम्र 6 से 13 साल के बीच में है, उनके ऊपर अलग अलग टॉपिक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं या ये CD खरीद सकते हैं। और Part 4 13 से 21 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे चॉइस ऑफ करियर, या फिर बच्चा आपका नहीं सुन रहा, मैप अप और बच्चों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये सब टॉपिक्स के ऊपर हमने चर्चा की। ये भी आप यूट्यूब चैनल या ये CD के थ्रू आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने बच्चों के लिए भी एक CD तैयार की है, तैयारी जीत की। ये CD में प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, बच्चों को सक्सेस एजुकेशन या जो भी फील्ड में वो जाना चाहते उसके प्रिंसिपल क्या है। जब हम ये कोशिश करते हैं तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जैसे मन नहीं करता पढ़ाई करने का या खेलने का, या फिर फियर ऑफ फेलियर होता है, काम टालने की आदत ही होती है, या फिर पेरेंट्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है,
या सोशल मीडिया का आजकल एडिक्शन काफ़ी देखा जा रहा है, इस तरह के टॉपिक्स पे भी हमने काफ़ी डिस्कस किया। ये सभी टॉपिक्स हम यूट्यूब चैनल डॉक्टर आशीष अग्रवाल इस पर अपलोड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथ में मेरे कुछ बुक्स पब्लिश है ऑलरेडी मार्केट में, हंसत खेलत बाल विकास और बाल संस्कार, और जो CD मैंने आपको बताया वो सब आप उसको ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट आप चाहे ये सभी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। अगर आप फेसबुक पे पॉजिटिव पेरेंटिंग नाम के ग्रुप को अगर ज्वाइन करते तो ऑलरेडी हमने काफ़ी वहाँ पे आर्टिकल्स और वीडियोस डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये नंबर है 8888126037। ये नंबर पे आप एक मैसेज भेजिए ज्वाइन मी, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। इसके ऊपर भी हम वीकली एक या दो मैसेज पेरेंटिंग के ऊपर या तैयारी जीत के ऊपर हम आपको, या अलग अलग प्रकार की बीमारी बच्चों में या बच्चों के डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, इस पर हम कुछ ना कुछ आर्टिकल्स और वीडियोस डालते हैं, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको पेरेंटिंग और आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। और यूट्यूब चैनल जैसे मैंने कहा डॉक्टर आशीष अग्रवाल, आप इसको ज्वाइन कीजिए, इस पर भी आप काफ़ी वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरा काउंसलिंग सेंटर है, अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो, अगर आप लोकल एरिया में हैं नांदेड़ में तो आप हमारे हॉस्पिटल आकर काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग लेना है तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बताया उस पर मैसेज भेजिए। कोई भी बीमारी या कोई भी टॉपिक पे आप पेरेंट्स या बच्चे, जैसे 13 साल के ऊपर का बच्चा है उसको भी अगर इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए तो हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको जैसे एक मैसेज डालना है तो हम आपको ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और ये मेरा हॉस्पिटल है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आपके डायपर रैश में मदद होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।